गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि इससे पहले कुछ बेसिक चीजें होती है उनके बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, इसमें रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब का बहुत काम आता है। आगे जब हम वन वन एंड अन टू फंक्शन फाइंड करते हैं, इन सब में बहुत काम आता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, एन से प्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन एक बार 5 मिनट के लिए मैं इनको रिवाइज करूंगा। होते हैं वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, कहां तक होते हैं हमारे एन फिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। क्या इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो इंक्लूड कर लेते हैं और सारे नंबर हमारे वही हो जाते हैं। ये हमारा कौन सा नंबर हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। अब थर्ड पे हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से प्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को हम जेड से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारी कोई नंबर लाइन होती है, क्या होती है, नंबर लाइन। नंबर लाइन में शो करके आपको दिखाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये प्लस इन्फिनिटी होता है। मिडिल पे क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट और यहाँ पे जीरो होता है। और इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इधर क्या होते हैं हमारे नंबर, -1, -2, -3, यानी माइनस इन्फिनिटी तक। तो हमारा ये जो होता है, ये हमारा कौन सा इंटीजर कहलाता है, ये हमारा कहलाता है जीरो इंटीजर। ये कौन सा इंटीजर होता है, जीरो इंटीजर होता है। और ये हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। ये कैसा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। और इधर हमारा कौन सा इंटीजर होता है, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात की, होल नंबर, फिर हमारे इंटीजर्स आ गए। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर हमारा आता है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसमें हम देखते हैं कौन से हमारे रैशनल नंबर होते हैं और कौन से हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर हमारे टू टाइप के होते हैं। एक तो रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर की डिफिनेशन होती है, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होता है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब इस कंडीशन में होता क्या है, जैसे हमने लिखा 1/3, 1/3 में हमारा रैशनल नंबर है। इसमें एक पार्ट होता है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। हमने जैसे लिखा 0.3333, ये नंबर लिखे जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको 1/3 फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जैसे नेक्स्ट हमने लिखा 1/5, कौन सा लिखा, 1/5। इसको जब हम पॉइंट लगा के डिवाइड करेंगे तो 0.2 ये टर्मिनेट है, बट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ये दोनों हमारे रैशनल नंबर हो गए, इस कैटेगरी में आते हैं दोनों रैशनल नंबर। और इसका थर्ड पार्ट होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, वो नंबर होता है वो रिपीट नहीं करेगा, न रिकरिंग करेगा। जैसे हम कोई मान लेते हैं नंबर 0.314325617000056, ऐसा हमारा नंबर होगा, वो कंटिन्यू एक ही नंबर ना रिपीट करेगा और ना टर्मिनेट करेगा। तो ऐसा नंबर हमारा कैसा नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इन चीजों का रिलेशन फंक्शन में बहुत काम आएगा, इसलिए हमने बेसिक चीजों को डिफाइन कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को सिंपली आप देखते होंगे कि फैमिली का रिलेशन, ब्रदर्स एंड फादर्स एंड मदर, सबका रिलेशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग नंबर का भी रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में, जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसमें हमने डिफाइन किया था कि सेट कौन से होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कौन से हमारी डोमेन होती है, कौन सी रेंज होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। आज थोड़ा उस पर और चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे हमारा पहला होता है ऑर्डर्ड, क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर होता है जो एक्स एंड वाई के फॉर्म में होता है, तो फर्स्ट एक्स हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और सेकेंड टर्म, इसको हम एक्स इक्वल जैसे 1 है और y इक्वल 2 है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ऑर्डर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, ऑर्डर फॉर्म हो गई।
बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं आते से इसमें और क्या रहता है ऑर्डर पेयर में। जैसे हमने टू नंबर लिया, हमने वन और टू ले लिया, ए नंबर हमारा हो गया और बी हमारा नंबर क्या हो गया 3.4। अब इसमें टोटल ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाता है ए क्रॉस बी हो जाता है। क्या हो जाता है ए क्रॉस बी। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, वन का थ्री के साथ, फिर से वन का फोर के साथ, अगेन टू का थ्री के साथ, फिर टू का किसके साथ फोर के साथ कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है 1.3। सेकेंड हमारा क्या आ जाता है 1.3 1.4। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है 2.3। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है 2.4। ये हमारे क्या हो गए ऑर्डर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। रिलेशन हमारे क्या होते हैं, रिलेशन जैसे हमने जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं इनको दूसरी तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि हमारे रिलेशन क्या हो गए। जैसे हमारा ये एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया एक्स हो गया और ये वाई हो गया। आज यहां से जैसे रिलेशन दिखाना है एक्स और वाई में, ये क्या हुआ रिलेशन हुआ। एलिमेंट्स पहला क्या है 1 और 3। 1 3 1 का किससे रिलेशन है 3 से रिलेशन है, फिर 1 का किससे रिलेशन है 1 का रिलेशन है 4 से, फिर नेक्स्ट किसका रिलेशन है 2 का किससे रिलेशन है 3 से, फिर नेक्स्ट रिलेशन क्या है 2 का किससे है 4 से। ये हमारे क्या हो गए ऑर्डर पेयर हो गए और ये हमारा रिलेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज और को डोमेन। हमारी क्या होगा डोमेन रेंज और को डोमेन। एक बार हम एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होता है। एग्जाम्पल हम जैसे ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ए इक्वल कंसिडर किया 1, 2, 3, 4 .. कहां तक है मान लेते हैं 10 तक टोटल एलिमेंट्स। आप यहां से कोई कंडीशन ले रहा है, कोई कंडीशन ले रहा है, उस कंडीशन पे कह रहा है जो हमारा एक्स वाई एलिमेंट है वो है 3x - y = 0। आप हमें ऑर्डर पेयर कैसे मिले, एक बार हम एक्स की वैल्यू वहां इनसे यहां पे पुट करेंगे और हमें वाई निकल आएगा, इसको हम लिख सकते हैं x = y। अब हमारे देखिए ऑर्डर पेयर कैसे बन रहे, ऑर्डर पेयर जैसे हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है यहां से x की वैल्यू 1 रखने पे y 3 आ रहा है। सेकंड में क्या करेंगे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 2 3 6 आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम x की वैल्यू 1 से पुट करेंगे 3 करेंगे, 3 करने के बाद क्या आ जाएगा 3 3 9। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4 पुट करेंगे तो 4 3 12 जो कि हमारे सेट में गिवन नहीं है। अब हम यहीं तक इसको रखेंगे, ऑर्डर पेयर हमारे इतने ही बन सकते हैं, ऑर्डर पेयर जो बनेंगे हमारे इतने ही ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। अब इसमें देखते हैं डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। आप जैसे हम बाई फिगर आपको दिखाते हैं, सबसे पहले जो हमारे एक्स के एलिमेंट होते हैं जितनी भी डिजिट होती है इनको हमने लिख लिया 1, सेकेंड हमने लिखा 2, थर्ड हमने लिखा 3, फिर नेक्स्ट वाले क्या है 3 6 9। आप देखिए इनका किससे रिलेशन है, 1 का किससे रिलेशन है, 1 का रिलेशन क्या है 3 से रिलेशन है, 2 का किससे रिलेशन है 6 से रिलेशन है, फिर 3 का किससे रिलेशन है 9 से रिलेशन है। अब सबसे पहले जो हमारा ये x होता है रिलेटेड है किससे y से, ये तो हमारा रिलेशन होता है और फर्स्ट में इस
इसको हम बोलते हैं, ये जो टर्म होते हैं इसे हम बोलते हैं डोमेन। इसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। नेक्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये कोडोमेन होता है। और सेकेंड चीज हम देखते हैं रेंज हमारी क्या होती है। जो कोडोमेन के हमारे एलिमेंट होते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट में जो हमारी रेंज होती है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका जो कॉमन पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे अभी कोई दूसरा नंबर लिख देते हैं हम 3, 6, 3, 6 and 9, ये हमारे एलिमेंट्स में ऐड हो जाए। अब जब हम रेंज की लिखेंगे तो अगेन 2 times 3 आ गया है, तो 3 को केवल 1 time लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 time लिखेंगे। 6 2 times आया तो 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3, 6, 9 हमारी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। आगे जब हम पढ़ेंगे 1, 1 and ऑन टॉप फंक्शन, तो उसमें और डिग्री हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन चैप्टर था उसमें हम आते हैं चैप्टर का रिलेशन फंक्शन, और फर्स्ट एक्सरसाइज में इसमें तीन फॉर्मूला जिन उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है रिफ्लेक्शन। कौन सा होता है? पहला हमारा रिफ्लेक्शन होता है। सेकंड हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। सेकंड हमारा सिमेट्रिक होता है। थर्ड हमारा ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसी प्रकार से सेट गिवन होगा और हमें इसमें तीनों रिलेशन बता रहा हूं। अब यदि तीनों रिलेशन किसी एक सेट को सेटिस्फाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसे जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों को हमें अलग अलग दिखाना पड़ता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है उसमें होता क्या है, जैसे कोई सेट एक गिवन होगा, क्या गिवन होगा? सेट गिवन होगा। उस सेट से हम ये देखेंगे जब हमारी कंडीशन a1, a1 बिलोंग करेगा किसमें, जो हमारा रिलेशन दिया होगा a1, a1 किसमें बिलोंग करेगा? रिलेशन में बिलोंग करेगा जो सेट का रिलेशन दिया होगा। तो वहां पे ये दोनों एलिमेंट्स कहां से लिए जाएंगे? a1 a2 कहां से लिए जाएंगे? जो हमारा रिलेशन होगा उससे लिए जाएंगे। यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन कौन सा हो, सॉरी तो हम उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1, 1 है 2, 2 है 3, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1, 1 2, 2 3, 3। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एक ही एलिमेंट हो एक्स और वाई दोनों प्लेस पे तो हमारा ये कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक। इसकी बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक पे जैसे कोई सेट सेम इसी प्रकार से गिवन होगा रिलेशन उसमें होगा, उस रिलेशन में हम क्या देखेंगे? उस रिलेशन में होगा क्या, जैसे कोई ए कॉमा बी टू एलिमेंट्स हैं, वो दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? किसी भी रिलेशन से कर रहे हैं। यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? उस रिलेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1, 2 लिखा हमने, तो उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? 2, 1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। जब ये दोनों बिलोंग करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये तो बात हो गई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं तीसरे पे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव सेम ऐसी कंडीशन होती है, उसमें हम लेट करते हैं जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे रियल नंबर, सॉरी जो हमारा रिलेशन है उससे बिलोंग करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं ए कॉमा बी किससे है?
आर से। फिर उसके बाद कह सकते हैं बी कॉमन सी बिलोंग कर रहा है इसमें, आर में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद ये डी दोनों जब बिलोंग कर रहा है तो इसको भी बिलोंग करना होगा, ए कॉमन सी बिलोंग करेगा इसमें, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी से ए वन कॉमा ए वन बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, सेकेंड ए वन ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए, उसका अपोजिट बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। और तीसरा हम क्या बताए ट्रांसिटिव, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में तो बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, तो इन दोनों को भी बिलोंग करना चाहिए।